हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना चैनल रहमान क्रिएशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलो भैया, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फोटोशॉप एक्सप्रेस को ऑन कर लें आप सबसे पहले। अपनी वो पिक्चर ले लें जिसको आपने एडिट करना है, इसको आगे करें और आपने पोर्ट्रेट में जाना है। पोर्ट्रेट में ये ग्रोन गिफी ऐसा इफेक्ट है, ये लगा देना है आपने। इसको थोड़ा सा कम कर देना और कम कर दे इसको। कम करने के बाद ये दो लाइन पर जाना है आपने। क्लैरिटी को थोड़ा सा कम कर दे इसमें, शार्पन को बढ़ा दे, रिड्यूस लोमिनस को ज़्यादा कर दे थोड़ा सा, रिड्यूस नॉइस को भी बढ़ा दे, देर को थोड़ा सा ज़्यादा कर दे, एक्सपोजर को भी थोड़ा सा बढ़ा दे, कंट्रास्ट कम कर दे, हाईलाइट भी कम और शेडो ज़्यादा, वाइट को भी कम कर दे थोड़ा सा, ब्लैक को बढ़ा दे। ब्लैक को बढ़ाने के बाद वाइब्रेंट पर आ जाए, थोड़ा बढ़ा दे और शार्पन को थोड़ा सा बढ़ा दे और उसके बाद पिक्चर को अपनी को सेव कर ले। सेव करने के बाद वही पिक्चर आप दोबारा ओपन करें फोटोशॉप एक्सप्रेस में। चार में जाएं और कार्मन इफेक्ट टैप कर दे, इस पर काम कर दे, फुल काम कर दे इसको। इधर तक दो लाइन पर आ जाए, दे क्लैरिटी को थोड़ा सा कम कर दे इसको, शार्पन को बढ़ा दे, रिड्यूस लोमिनस को बढ़ा दे, रिड्यूस नॉइस को भी बढ़ा दे, देर को भी बढ़ा दे, एक्सपोजर को भी बढ़ा दे, कंट्रास्ट कम कर दे, हाईलाइट भी कम कर दे, शेडो को बढ़ा दे, वाइट को भी कम कर दे और ब्लैक को भी कम कर दे, वाइब्रेंट को थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके बाद आप अपनी पिक्चर को सेव कर लें। पिक्चर को सेव करने के बाद आप टूल वाइज में जाएं, टूल वाइज में वही पिक्चर ऑन कर ले दोबारा आप अपनी। इनहेंस में जाएं, HDR लगा दें, यार को मैं इधर तक रखूँगा और शार्पन लगा दूँगा, शार्पन को कम कर दे थोड़ा सा, फिर वेव फिल्टर लगा दूँगा, वेव फिल्टर एंड वाला टैप करूँगा और फिर से HDR को लगाऊँगा, कम कर दे थोड़ा सा HDR को, इफेक्ट में आ जाए, इफेक्ट में सॉफ्ट मार्ज टू पर टैप कर दें और इसको ऐसे रेज कर दें। रेज करने के बाद डन कर दें। डन करने के बाद टूल में आए, रिसाइज पिक्चर को कर लें, रिसाइज इसको 25 पर कर लें, 2500। जैसी आपको PNG अच्छी लगे वैसी लेयर को टैप करके लेयर पर जाएं और PNG ऐड कर लें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं अपनी PNG को ले आया हूँ उधर, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा ले और इसको नीचे फिक्स कर ले और इसको ओवरले कर दे, ऊपर से डन कर दे। डन करने के बाद इसको सेव कर दे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहे। न्यू वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।